ध्यान से देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल होती है जो आपको क्या सुविधा देती है कि आप रिमोट कंप्यूटर्स, यानी रिमोट कंप्यूटर्स मतलब क्या कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कहीं दूर लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर्स से कनेक्ट हो टेलनेट सकते हैं किसके थ्रू? के थ्रू टेलनेट के टावर। थ्रू। यस समझ में आई सर, बात? यस सर, और टेलनेट की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट मान लीजिए एक कंप्यूटर आपका लखनऊ में है और एक कंप्यूटर मान लीजिए आपका गोरखपुर में है। यस सर। आप गोरखपुर वाले कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? हाँ, एक्सेस कर सकते हैं गोरखपुर वाले कंप्यूटर के थ्रू, इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ही कंप्यूटर्स टेलनेट पे टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेलनेट टेलनेट इनेबल इनेबल करना करना। पड़ेगा। टेलनेट इनेबल करने के लिए अगर मान लीजिए ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनमें विंडोज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज यस सर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेलनेट बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहती है। क्या रहती है? यस यस डिसेबल्ड। डिसेबल्ड तो रहती है। डिसेबल्ड रहती है तो उसको इनेबल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनेबल। तो इनेबल करना कैसे पड़ता है। कैसे इनेबल करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या देखिए, अभी हम मान लीजिए इस कंप्यूटर पे आ गए हैं, ठीक है। ये यस कंप्यूटर सर आपका मान लीजिए कहाँ लगा हुआ है? लखनऊ में, ठीक है। तो एक हम लोग क्या यस करते हैं, इसमें वॉलपेपर लगा देते हैं पेंट पे बना के, ताकि आपको क्लियर होगा। एक वॉलपेपर बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं LKO। क्या लिख देते हैं? LKO। LKO। ठीक है, और सर इसको सेव कर लें और इसी को वॉलपेपर लगा देंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। तो इसको वॉलपेपर लगा देते हैं सर। ठीक, ये मान लीजिए कहाँ का कंप्यूटर है? लखनऊ का। हाँ, लखनऊ का। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स में, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ में, और यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर। दिख रहा है? ये सर्वर ये सर दिख रहा है। तो क्लाइंट टेलनेट को क्लाइंट ये का मतलब होता है जो टेलनेट लेता है, और जो सर्वर का ये मतलब जो सर टेलनेट की सर्विस देता है। दे तो सर्विस आप ये प्रोवाइड करता दोनों है। ही चीजें क्या कर दीजिए? इनेबल कर दीजिए। सर आवाज इनेबल फंस कर रही है दीजिए। आपकी। आ रही सही है अब आ रही आवाज। आवाज? हो सकता है यस आपके सर आ साथ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। यस सर आप सही आ रही है आवाज। तो आपको दोनों, आपको क्या करना है भैया? टेलनेट क्लाइंट की भी सर्विस ऑन कर देनी है, टेलनेट क्लाइंट यस का भी सर फीचर ऑन कर देना है, और टेलनेट सर्वर सर्वर का भी। यस का भी, ताकि यहां से आप टेलनेट ले भी सकें और टेलनेट दे भी सकें। क्लियर हुई बात? सर यस सर तो उसके लिए प्रोग्राम्स, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ में जाके क्या करना है? ये टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर की फीचर को इनेबल कर देना है। कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ कमांड में जी जाके लिखेंगे ना टेलनेट, तो देखो टेलनेट का प्रोग्राम खुल जाएगा। दिख रहा है क्या खुल जाएगा? टेलनेट प्रोग्राम दिखाई दे रहा है? टेलनेट प्रोग्राम खुल गया। सर। अगर हम ये फीचर हटा दें, अगर हम ये फीचर क्या कर दें, हटा दें, अगर हटा दे। ये फीचर हटा दें और फिर कमांड पे जाके टेलनेट लिखेंगे तो क्या होगा? तो वो टेलनेट प्रोग्राम जो खुल रहा था वो नहीं खुलेगा। देखो, अब अगर हम यहाँ पे जाके लिखेंगे CMD में टेलनेट, नहीं खुलेगा। क्या बोल रहा है? टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकनाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमांड। कमांड। तो वो कह कह रहा रहा कि, प्रोग्राम आप हाँ, कह रहा कि इस तरह की कोई कमांड नहीं है मेरे पास। यस सर
अब ये विजय चौरसिया कह रहे हैं कि इनका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट जाकर देखो, फिर से मैं करेगा। बता रहा हूँ, फिर से कहाँ जाएंगे? ओके सर, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ में जाएंगे, और क्या सर्च करेंगे? टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर। क्लाइंट सर्वर टेलनेट दोनों क्लाइंट किस सेम ही लिए बोल होता सकते है? हैं। ये जो सर्विस लेता है टेलनेट लेने के लिए, किसी यस सर। मशीन का टेलनेट लेने के लिए, और अगर टेलनेट सर्वर अच्छा, इन्हें फीचर ऐड करेंगे तो क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। तब आप टेलनेट अपना दे भी पाएंगे। तो अभी हम यस लोगों को सर, क्या करना है? लखनऊ वाले पीसी का टेलनेट लेना है, कहाँ पे? गोरखपुर वाले में, गोरखपुर वाले गोरखपुर में। वाले पे तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट और इनेबल टेलनेट कर देंगे, सर्वर दोनों ही फीचर को क्या कर देंगे? इनेबल कर देंगे सर। इनेबल कर देंगे, कर लेंगे इनेबल। यस सर, कर लेंगे जब ये इनेबल हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे कमांड पे जाके क्या लिखेंगे? टेलनेट। तो क्या खुल जाएगा? टेलनेट का सर खुल जाएगा, टेलनेट का प्रोग्राम खुल जाएगा। देखो यहाँ लिख रहा है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट क्लाइंट। क्या खुल गया? टेलनेट क्लाइंट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? ले सकते किसी भी वीडियो मशीन कॉलिंग। का टेलनेट ले सकते हैं। यस सर, इसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा। अब आपको जाना है सर्विसेज में। कहाँ जाना है? सर्विसेज में। सर्विसेज। तो सर्विसेज कंट्रोल पैनल में कहाँ मिलेगा आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये देखो मिला, सर्विसेज। यस सर, ठीक है। और सर्विसेज आप चाहें तो रन से भी लिख के खोल सकते हैं, services.msc। ठीक है, बोलो। यस सर, अब यहाँ से टेलनेट सर्च करेंगे। देखो मिला टेलनेट। और ये अभी क्या पड़ा हुआ है? डिसेबल है, डिसेबल्ड है। तो इसको क्या करेंगे? इनेबल, इनेबल करेंगे। इनेबल कैसे करेंगे? यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं तो स्टार्ट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, हाइड है। तो कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से डिसेबल स्टार्टअप टाइप में क्या दिखा रहा है? डिसेबल्ड। तो इसको क्या कर देंगे? ऑटोमेटिक। क्या कर देंगे? ऑटोमेटिक। और फिर क्या करेंगे? अप्लाई। अप्लाई, और फिर क्या करेंगे? स्टार्ट। स्टार्ट, और फिर क्या करेंगे? ओके। तो यहाँ देखो अब क्या लिखने लगा, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया और स्टार्टेड हो गया, दिख रहा है? यस सर। ऑटोमेटिक होने का मतलब कि जब जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? ये सर्विस इनेबल हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करें? अब इस एलकेओ वाले पीसी का क्या देख लेंगे? आईपी। आईपी, तो इस एलकेओ वाले पीसी का आईपी क्या है? क्या है? 192.168.50.20 ये है। यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे? अब किसी दूसरी मशीन पे जाएंगे और उसको क्या बना लेंगे? सर्वर, उसको जीकेपी मशीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जीकेपी, ये सर, जीकेपी मशीन। हाँ, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक्सपी में। कहाँ जा रहे हैं? एक्सपी वाली एक्सपी मशीन। में, और एक्सपी वाली मशीन को हम लोग क्या बना लेंगे? जीकेपी। ठीक है, यस सर। वहां पे हम वॉलपेपर पर लगा देते हैं किस चीज का? जीकेपी का, जीकेपी का, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जीकेपी, वाह।
क्यों हंस रहे हो जी? ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे? अब फिर कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाएंगे और फिर यहाँ से क्या ढूंढेंगे? ऐड और रिमूव प्रोग्राम। और यहाँ देखो क्या मिला, ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट, दिख रहा है? यस सर। इसको सर्च करेंगे। अब ये जब खुलेगा यहां से कौन सा प्रोग्राम हमको ऐड करना है? कौन सा करना है बताओ? टेलनेट सर्विस और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर। टेलनेट मिलेगा आपको नेटवर्किंग सर्विस में, ठीक है? यस सर। इसमें टेलनेट शो नहीं हो रहा है इसमें, एक्सपी की मशीन में। तो चलो अपने क्या करते हैं, देखो जॉन क्या कह रहे हो? क्या सर, अदर नेटवर्क और उसमें नहीं सर्विस मिलेगा? चलो इसी में ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं होगा जरूर। एक्सपी की मशीन है ना? यस सर। यस, तो इसमें आपको क्या क्या है? पीयर टू पीयर देखा जाए, यहाँ प्रिंट सर्विसेज है, इसमें टेलनेट नहीं दिया लग रहा। एसएनएमपी दिया है क्या? प्रोवाइडर दिया है इसमें सर, एफटीपी दिया है, इंटरनेट टेलनेट नहीं दिया एक्सपी में। एक्सपी की मशीन में क्या नहीं दिया है? टेलनेट नहीं दिया है, टेलनेट नहीं दिया। तो अब इसमें खोलते हैं क्या, सर्विसेज डॉट एमएससी डॉट एमएससी, और यहाँ से ढूंढते हैं टेलनेट की सर्विस है क्या। देखो टेलनेट की सर्विस है, हमें लग रहा है एक्सपी में ऑलरेडी एडेड होता है टेलनेट, ठीक है? उसमें अलग से आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। यहाँ से क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक स्टार्ट, ओके। और अब एक्सपी की मशीन पे हम लोग क्या लिखेंगे जाके, सीएमडी कमांड चलाएंगे, कमांड चलाएंगे टेलनेट के, क्या लिखेंगे? टेलनेट, टेलनेट। तो देखो मैंने कहा था ना कि एक्सपी में ऑलरेडी है, तो एक्सपी में यहाँ पे जब हम लोग गए थे कंट्रोल पैनल में, yes, और यहाँ ऐड और रिमूव प्रोग्राम में, ऐड रिमूव विंडो कंपोनेंट में, तो यहाँ टेलनेट क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि डायरेक्ट टू एडिट है उस पहले से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेलनेट का फीचर ऐड है, तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जीकेपी की मशीन से LKO की मशीन को यूज करने वाले, ठीक है? यस सर। तो अभी आप लोग ये बताओ कि जीकेपी LKO की मशीन पे कोई फोल्डर बना है दुर्गेश नाम का? दिया सर, बना। हाँ ये देखो, ये बना सर, ठीक है? चलो दूसरा कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो नाम ले लेते हैं ICA। ये बताओ LKO के LKO वाले डेस्कटॉप पे कोई ICA नाम का फोल्डर बना है? नहीं सर, कोई नहीं है। अब हम लोग यहाँ से टेलनेट लेंगे, किसका? नहीं बना है। यहाँ पे लिखेंगे टेलनेट LKO का, टेलनेट और IP लिखेंगे 192.168.50.20 लिखे। सक्सेस होगा।
देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। क्या लिख रहा है? यू आर अबाउट टू सेंड योर पासवर्ड इंफॉर्मेशन टू अ रिमोट कंप्यूटर इन इंटरनेट जोन, यू माइट नॉट बी सेफ, डू यू वॉन्ट टू सेंड एनी वे। कह रहा है कि भैया आप टेलनेट लेने जा रहे हो तो आप अपना पासवर्ड जो है, अपनी पासवर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी रिमोट कंप्यूटर पे भेज रहे हो इंटरनेट में, तो ये हो सकता है कि सुरक्षित ना हो। तो yes, sir. ये पूछ रहा है कि आप Do you want to send any way? आप अभी भी ये आपको एक बता रहा है कौशन, चेतावनी yes, दे रहा है कि भैया आप पासवर्ड इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो इंटरनेट में रिमोट कंप्यूटर पे, तो ये चीज सेफ नहीं हो सकती। आप चाहते हो तो आप यहाँ क्या कर दो, यस करने चाहते हैं तो यस करने से वाई लिखेंगे सर। हाँ यस पूरा लिखेंगे, ठीक है ओके सर। अब देखो यहाँ ये क्या पूछ रहा है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट, तो कह रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड बताओ वहां का। तो सबसे पहले आपको टेलनेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां यूजर नेम पासवर्ड लगा लेना पड़ेगा। तो यहाँ फिलहाल कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, मतलब यूजर नेम तो है पासवर्ड नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पे लगाना, पासवर्ड लगाएंगे, एक पासवर्ड लगा ले, पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, सेट पासवर्ड 123123। एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, पासवर्ड लगा, पासवर्ड लगा दे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम डोमेन में है, ठीक है yes. अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो एक बार शुरू से देखो, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हम गए सीएमडी लिखे, फिर लिखे टेलनेट, फिर 192.168.50.20 बड़ा कर ले, अब ये देखो यहाँ पूछ रहा ना कि आप अपना पासवर्ड सेंड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, yes. तो आप यहाँ नो भी कर सकते हो, नो कर दो, हम अपना पासवर्ड नहीं सेंड करना चाहते, ठीक है, क्या कर दो नो no. अब वहां no का क्या, वहां का क्या डालो, यूजर नेम दुर्गेश था और पासवर्ड डालो, ठीक। कह रहा कि एक्सेस डिनाइड, अब देखो यहाँ पे क्या एरर दिया कि भैया ये जो यूजर है दुर्गेश ये मेंबर नहीं है किसका, टेलनेट क्लाइंट का, टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप का, तो अब हम क्या करेंगे, यस सर, मेंबर बनाएंगे उसका, यहाँ पे मेंबर बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे मैनेज में, लोकल यूजर एंड ग्रुप में, और दुर्गेश को क्या बना देंगे, मेंबर बना देंगे, मेंबर बना देंगे किसका, टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप का। क्या हुआ भाई, क्यों हैंग हो रहे हो तुम, ठीक है देखो शुरू से देखो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे मैनेज में, लोकल यूजर एंड ग्रुप में, यूजर्स में दुर्गेश को क्या बनाना है, ऐड करेंगे, सिंबल बनाना है करेंगे, और यहाँ से कौन सा ग्रुप खोजेंगे, टेलनेट क्लाइंट्स, कौन सा ग्रुप, टेलनेट क्लाइंट्स, टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप का क्या बना देंगे, मेंबर बना देंगे, मेंबर बना देंगे। देखो ये जो दुर्गेश है इसके मेंबरशिप देख लो, ये किस ग्रुप का मेंबर हो गया,
टेलनेट क्लाइंट के, टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप का मेंबर हो गया। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेलनेट ले सकते हैं। अभी ले रहे थे तो क्या दे रहा था, एरर दे रहा था ना कि भैया आप नहीं ले सकते हैं, एक्सेस डिनाइड है। क्यों एक्सेस डिनाइड है, क्योंकि मेंबर नहीं था वो सर क्लाइंट का। हाँ, एक्सेस डिनाइड क्यों बता रहा था, मेंबर नहीं बताता, क्या बता रहा था, देखो क्या कह रहा है कि भैया ये जो यूजर आपने स्पेसिफाई किया है दुर्गेश नाम का इज नॉट अ मेंबर ऑफ टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट ऐड टू यूजर। हाँ, आपको मस्ट ऐड करना पड़ेगा इस यूजर को किसमें, टेलनेट क्लाइंट ग्रुप में। तो आप अब टेलनेट लेंगे हम लोग, अब टेलनेट लिखेंगे ये, और अब ये जब पूछेगा हमसे कि भैया आप अपनी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, नो no. हम अपनी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं भेजना चाहते। अब यहाँ पूछ रहा है कि यू आर अबाउट टू सेंड योर पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, कह रहा कि आप अपने पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रिमोट कंप्यूटर पे भेजने वाले हैं, ये सेफ नहीं होगा, आप से भेजना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, नो। और फिर यहाँ क्या करिए, दुर्गेश और पासवर्ड डाल दे। अब देखो हम किस पे आ गए, अब हमने उस टेलनेट सर्वर को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया, एक्सेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे, अब देखो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था कि भैया देखो इसके डेस्कटॉप पे कोई आईसी नाम का फोल्डर है नहीं, और अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, फोल्डर सेंड कर देंगे उसमें। हाँ, वहां पे फोल्डर बना देंगे उसके डेस्कटॉप पे। अभी हम जा रहे हैं उसके डेस्कटॉप पे और क्या कर देंगे, एक फोल्डर बनाएंगे आईसीए। अब ये फोल्डर हमने बनाया डेस्कटॉप पे, यस सर। ये किसके डेस्कटॉप पे बना, यहाँ तो नहीं बना, एलकेओ के कहाँ बना होगा ये, एलकेओ के, एलकेओ पे बन गया, बन गया, यानी हमने टेलनेट ले लिया उसका, यस सर। क्लियर हो रही है सर, यस सर। एमडी सर फोल्डर बनाने के लिए कमांड होती है, हाँ एमडी फोल्डर बनाने की कमांड होती है। अब अगर हम आरडी कर दें, आरडी आईसीए, तो क्या होगा, डिलीट, क्या वो जो फोल्डर वहां बना था वो रिमूव हो जाएगा, देखो हट गया। यस सर, बोलो। यस सर, हट गया। तो अब हम यहाँ, अब मान लो हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे, जीकेपी, जीकेपी पे, और हम एलकेओ वाले सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहीं से रिस्टार्ट कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे शटडाउन, शटडाउन एस हाइफन टी 00। देखो अब क्या होगा, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, वो शटिंग डाउन, शटडाउन हो गया। बोलो। यस सर। अब इसको ऑन करना पड़ेगा, तो क्लियर हुई बात, तो टेलनेट आ गया समझ में, विंडोज में आप कैसे टेलनेट बना सकते हैं, टेलनेट क्लाइंट कैसे बनाएंगे, टेलनेट सर्वर कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया सर। और टेलनेट क्या होता है समझ में आया, समझ में आ गया सर। किसी को कुछ पूछना है, देखो तो अब हम लोग को क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया, हम जीकेपी मशीन से एलकेओ मशीन को कर रहे थे, मशीन से, अब हम एलकेओ मशीन से जीकेपी मशीन को एक्सेस करेंगे, तो जीकेपी मशीन का आईपी क्या है, 21.192.168.50.21। यस सर। एक चीज करना नहीं भूलना हमको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसका टेलनेट लेना है उससे क्या क्या चाहिए हमको, एक तो उसका यूजर नेम पासवर्ड लगा होना चाहिए, यस सर,
यस सर बस और क्या होना चाहिए मेंबर उसको बनाएंगे उसको टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप का मेंबर भी बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज मेंबर ऑफ एड 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 करने के बाद किसमें एड कराना है इसको टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप एडवांस फाइंड नाउ और यहाँ क्या ढूंढना है टेलनेट क्लाइंट ग्रुप टेलनेट क्लाइंट्स ग्रुप तो यहाँ पे देखो लग रहा है एक्सपी में ये भी करने की जरूरत नहीं है दिख रहा है यस सर यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट ग्रुप नहीं आ रहा है कौन कौन से ग्रुप हैं ये देखना हो तो क्या करेंगे मैनेज में जाएंगे लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाएंगे देखो यहाँ कहीं टेलनेट क्लाइंट ग्रुप है कोई हाँ तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अब आपको बस क्या करना है यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देना है यूजर नेम तो ऑलरेडी होता है पासवर्ड सेट कर देना पासवर्ड क्या कर देंगे सेट कर देंगे यस सर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ठीक है पासवर्ड सेट कर दीजिए अब हम क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे कोई दुर्गेश नाम का फोल्डर है अभी नहीं है सर या आईसीए नाम का फोल्डर है तो हम एलकेओ से एलकेओ पे बैठ के जीकेपी पे फोल्डर वगैरह बनाएंगे जो मन करे वो करेंगे तो अब हम यहाँ आ जाएंगे और क्या लिखेंगे सीएमडी सीएमडी कहाँ आ गए हम एलकेओ मशीन एलकेओ वाले और किस मशीन को एक्सेस करने वाले हैं जीकेपी को तो कैसे करेंगे टेलनेट 192.168.50.21 अब यहाँ क्या कह रहा है कि भैया टेलनेट नाम का कोई वो नहीं है दिख रहा है तो ऐसा क्यों कह रहा है ये देख लेते हैं ऐसा क्यों कह रहा है प्रोग्राम्स में जाएंगे टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ में जाएंगे कह रहा है कि भैया टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम नहीं है टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम तो ऐड करा चुके हैं यस सर कि नहीं यस सर एक बार सर्विसेज जाके चेक कर लें यहाँ टेलनेट की सर्विस ऑन है कि नहीं स्टार्टेड है अब इसको क्या दिक्कत हो रही है भाई यहाँ टेलनेट लिखेंगे टेलनेट है तो प्रोग्राम फिर से एक बार करिए हो सकता कुछ दे रहा हूँ क्या करते हैं एक बार दोबारा करते हैं सीएमडी यस सर लिखते हैं टेलनेट 192.168.50.21 हो गया ठीक है सर अब कनेक्ट होने लगा ये किससे एलजीकेपी से अब कनेक्ट नहीं हो रहा है देख रहे हो टाइम लग रहा बहुत नहीं हो पाया नहीं हुआ ना तो आप एक बार क्या करिए पिंग करा के चेक करिए 50.21 तो पिंग ही नहीं हो रहा है अब ये प्रॉब्लम किस वजह से आ सकती है ये प्रॉब्लम फायरवॉल की वजह से आ सकती है तो आप दोनों मशीनों का फायरवॉल चेक कर लीजिए कि उसको ऑफ कर रखा है कि नहीं क्योंकि कॉन्फ़िगर तो किया नहीं आपने तो अगर आपने अकॉर्डिंग टू यूज कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो दैट मस्ट बी फायरवॉल मस्ट बी ऑफ होना चाहिए क्या होना चाहिए ऑफ होना चाहिए नहीं तो क्या करेगा वो रिपिंग नहीं करेगा उसको बहुत सारी चीजों को यूं ही बंद कर देगा वो है कि नहीं यस सर फायरवॉल में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे अब फिर से कहाँ जाएंगे एलकेओ वाली मशीन और फिर यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है पिछली बार वो एरर क्यों आया था
कि टेलनेट नहीं नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो कमांड देखो कहाँ चल गई थी। वो कमांड मेरी मशीन पे चल गई थी, फिजिकल मशीन पे। यस सर। और चलानी कहाँ पे थी? वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन पे। यहाँ क्या करें, सीएमडी खोल लें और क्या करें, क्या लिखें? टेलनेट 192.168.50.21। अब लग रहा है कि ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर पूछ रहा है कि भैया आप अपनी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ क्या कर देना है? नो नो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन में पूछ रहा है, लॉगिन का मतलब क्या? यूजर नेम डाल। यूजर नेम, यूजर नेम डाल। पीकेपी वाली मशीन का यूजर नेम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और पासवर्ड हमने डाल रखा है। अब देखो हम कहाँ पे क्या चीज एक्सेस कर लिए इस समय, हम कौन सी मशीन को चला रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहा है देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है देखो। यस सर। टेलनेट लिए हुए ना किसका? जीकेपी का। तो अब अगर हम यहाँ कोई भी कमांड चलाएंगे तो वो कमांड कहाँ चलेगी? जीकेपी में चलेगी। किस मशीन पे नहीं चलेगी वो? किस मशीन पे चलेगी? जीकेपी। किस मशीन पे? क्लियर हुई बात? यस सर। यस बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे मान लो हम कमांड चलाएंगे एमडी दुर्गेश, तो ये दुर्गेश नाम का फोल्डर, एमडी कमांड मेक डायरेक्टरी कमांड, दुर्गेश नाम का फोल्डर कहाँ बनेगा? जीकेपी वाला आंसर। देखो यहाँ बना कहीं? ऑलरेडी था पहले सर। नहीं नहीं, यहाँ थोड़े बनेगा, यहाँ कहाँ बनेगा? और अभी देखो हम उस मशीन के किस फोल्डर में है? डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर वाले फोल्डर में। तो ये दुर्गेश नाम का फोल्डर बना होगा, कहाँ बना होगा? डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बना होगा। देखो दिखा रहे, डेस्कटॉप पे नहीं बना है, कहाँ बना होगा? डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर बना होगा। दिख रहा है? यस सर। और अगर हमको इसको डिलीट करना हो, मान लो हम बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे बन गया वहाँ, अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे? आरडी कर देंगे तो वहां से हट जाएगा। और हमको कहाँ बनाना है फोल्डर? ये डेस्कटॉप पे सीधी कर दीजिए। तो यहाँ से हट गया। यस सर। अब हमें कहाँ बनाना है? इसके डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीडी कमांड चलानी पड़ेगी। क्या कमांड चलानी पड़ेगी? सीडी कमांड। सीडी। अब देखो यहाँ डीआईआर चलाओगे ना जब, तो यहाँ के जितने फोल्डर है सब दिखाई देंगे। तो देखो कौन कौन से फोल्डर है यहाँ। डेस्कटॉप, फेवरेट्स, माई डॉक्यूमेंट, स्टार्ट मेन्यू, दिख रहा है सब? देखो मिला लो ये दोनों फोल्डर, ये देखो। देखो सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, देखो ये फोल्डर है कौन कौन से? कुकीज, डेस्कटॉप, फेवरेट्स, माय डॉक्यूमेंट, एसटीआई, मेनू, ये सब है ना? है यहाँ पे देखो, दिखा रहा है ये सब? ये सब दिखा रहा है। अब क्या करें, कहाँ चले जाएं? डेस्कटॉप पे। सीडी डेस्कटॉप पे सेट पे सीडी चलाएंगे। यहाँ पे क्या कमांड चला दें? दुर्गेश। तो अब कहाँ फोल्डर बन जाएगा ये? डेस्कटॉप पे। देखो कहाँ बना, ये देखो डेस्कटॉप पे सर बन गया। अब मान लो हम वहीं से इस मशीन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस मशीन को? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कर। तो क्या कमांड चलाएं? सेटिंग डाउन -S की जगह -R लगा दोगे तो क्या होगा? डाउन नहीं होगा, रीस्टार्ट होगा। क्या होगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। देखो रीस्टार्ट होगी मशीन।
समझ गए? यस सर। तो टेलनेट का यूज समझ में आया क्या है? आ गया सर। क्या है? किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, और उसको पता भी नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि आप कमांड